एमएसएमई एक ऐसा विभाग है जिसने पिछले 7 वर्ष में प्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र से जुड़े हुए उद्यमियों के लिए एक नई आशा की किरण बनकर के उभरा है। यह प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए नए रोजगार और नौकरी की संभावना वाला क्षेत्र बनना बनकर के उभरा है और यह क्षेत्र अपने अभिनव प्रयोग और नवाचार के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना उत्तर प्रदेश ने 2018 में प्रारंभ की थी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना 2019 में प्रारंभ की थी। यानी जनवरी 2018 और जनवरी 2019 में दो महत्वपूर्ण योजनाएं हमने प्रारंभ की और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जिसने एमएसएमई के प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क हम लोग स्थापित कर सकें 10 एकड़ से लेकर के 50 एकड़ के उस क्षेत्रफल में। और इस कार्यक्रम को हम लोगों ने जिस तेजी के साथ आगे बढ़ाया, देखते ही देखते 10 जनपद इस योजना के साथ जुड़ चुके हैं। यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और हम इसीलिए बार बार कहते थे उत्तर प्रदेश के बारे में जो धारणा थी उस धारणा को धीरे धीरे करके समाप्त किया गया कि उत्तर प्रदेश कुछ नहीं कर सकता है। जो लोग ये मानते थे, हमारी क्षमता पर प्रश्न खड़े किए जाते थे, आज उन सबको दूर करते हुए उत्तर प्रदेश ने अपनी सामर्थ्य से सबका उत्तर दे दिया है। अब हमें किसी के सामने जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सफाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हमारा कार्य हमारा जवाब दे दे रहा है, उसका उत्तर दे दे रहा है। तो अभूतपूर्व कार्य प्रारंभ हुए हैं हर एक सेक्टर में और इस अलग अलग सेक्टर के रिजल्ट इस बात को दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश तो अनलिमिटेड पोटेंशियल का स्टेट था और इसीलिए यूपी कहलाता था। कुछ लोगों ने इस अनलिमिटेड पोटेंशियल को बीमारू राज्य के रूप में बदलने का काम किया और जब डबल इंजन की सरकार आई तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, इस अनलिमिटेड पोटेंशियल को हम लोगों ने राष्ट्र निर्माण के अभियान के साथ जोड़ करके युवाओं के लिए, उद्यमियों के लिए, डेवलपमेंट के साथ उसको जोड़ने का जो कार्य प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम हमारे सामने देखने को मिलता है।